डिजाइन भी जनरल जॉन जेकब साहब ने की है और अपने हाथों से ये कलाक बनाया है। इसकी क्वालिटी ये है कि आज दिस इज द मुस्लिम डेट, आज चांद की तारीख है 10 और ये चांद की साइज है सर। अच्छा जी हाँ, ये दुनिया के किसी भी कलाक में नहीं है आज तक, पौने 200 साल से लेके आज तक। और इसके अलावा ऐसे में सदियों का कैलेंडर लगाया गया है और वीक है, डेट है 8 दिसंबर, दूसरा वीक द टाइम ऑफ पाकिस्तान डे है। और इस कलाक को दुनिया में मुख्तलिफ नामों से सर जाना जाता है, पानी वाली घड़ी, कुएं वाली घड़ी। आगे आए सर, आगे आए, देखे सर ये 1000 kg का पेंडुल है जी, और नीचे वाटर है। ये पूरी दुनिया में एक ही कलाक है सर, ये अर्थ की ग्रेविटी से घड़ी अभी काम कर रही है सर आपके आगे। माशाल्लाह सही चल रही है, सही चल रही है। और नस्लों से हम इसका काम कर रहे हैं, तीसरी नस्ल में मैं काम कर रहा हूँ। और इससे हर घंटे घंटे बजाता है। अच्छा, और इसकी एक और क्वालिटी है जो पूरी दुनिया हैरान है, कमेंट कर डिजाइन ऑफ इंग्लैंड, ये आपने जरा डिजाइन ऑफ पाकिस्तान, ये है डिजाइन ऑफ इंग्लैंड। छोड़ो, अभी इंग्लैंड में सुबह के 10:15 बज रहे हैं, पाकिस्तान में 3:15 बज रहे हैं, 5 घंटे का फर्क है पाकिस्तान और इंग्लैंड के टाइम में। और दुनिया हैरान है कि घड़ी एक है, दो मुल्कों का टाइम बता रही है और उसी में भी 5 घंटे का फर्क है। और मैं अर्ज करूं सर, इससे अलावा ये एक पेंडुल है जो तोप का गोला है सर, ये जो है टाइमिंग बोल, ये 37 में जो बड़ी जंग हुई थी उसमें ये फायर किया गया था, तो उसको जनरल जॉन जेकब साहब ने काट के इधर पेंडुल की तरह लगा दिया। और इसके दो फंक्शन है, एक तो ये सेकंड कांटे के तौर पे काम कर रहा है और दूसरा इसमें एक सेंटीमीटर लगाया गया है। आप थोड़ा गौर करेंगे, सर्दियों और गर्मियों में दिन रात में फर्क आता है, सर्दियों में अभी दिन छोटा है रात बड़ी है, और गर्मियों में दिन बड़ा होता है रात छोटी होती है। तो ये सेंटीमीटर काम करता है मून डेट और मून की साइज चेंज करने में मदद फराहम करता है। और ये 40 किलोग्राम का है, पूरी घड़ी का 2100 किलो 2100 किलो वजन है। ये वठी ही वठ तो ये दिसन चाहता, ये आप जो कैबिनेट देख रहे हैं ये भी आज भी अफ्रीका के जंगलात में है ये लकड़ी। इसकी क्वालिटी ये है कि इसमें कीड़ा नहीं लगता है सर, और इसमें स्मेल नहीं होती है, और ओरिजिनल कॉपर में बना हुआ है सर। और इससे अलावा सर मैं आज कर फैन भी लगाया गया है, आप सोचेंगे तो ये क्यों लगाया गया है। जब ये अलार्म तो आप हाउस के किसी भी कोने में होंगे तो आपको टाइम क्लियर पता चलेगा कि अभी 3 बजे हैं। जी सर, और ये इसकी सर चाबी है जो हर 15 से 20 दिन में इसको देनी पड़ती है। ये पेंडुलम वाटर से जाके हिट होता है, ये ग्रेविटी खत्म हो जाती है, ये घड़ी बंद हो जाती है। तो फिर इसको इस चाबी के साथ इस पेंडुलम को ऊपर लाया जाता है, 32 फुट गहराई में चला जाता है। तो फिर इसको इस चाबी के सहारे इसको ऊपर लाना पड़ता है पेंडुल को, जो आप देख रहे थे पहले। और ये आप सर थोड़ा गौर करें तो उसके जहन में यह भी बात थी बनाने वाले के 1000 किलोग्राम किसी इंसान के बस की बात नहीं है कि 32 फुट गहराई से उठा सके। तो उसमें एक छोटी सी चेन कुपी लगाई गई है जो 980 kg काट के मुझे 20 kg इधर फराहम करता है, और मैं इसको इजी उठा सकता हूँ। और इसको देखने के लिए पूरी दुनिया आती है सर, ये आपके सामने है देखें सर। और बड़ी बात यह है कि मैं इसका काम रजाकाराना तौर पर काम करता हूँ, बाप भी ऐसे करता था, दादा भी ऐसे करता था। ये तारीखी चीज है, ये उस जमाने की टेक्नोलॉजी है जिस जमाने में दुनिया स्प्रिंग एनर्जी से वाकिफ नहीं है, और ये किसी नॉन टेक्निकल आदमी के हाथ में आ जाएगी तबाह हो जाएगी, इसीलिए ही बस हम इसको नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये खुद इंजीनियर था जॉन जेकब? जी हाँ सर, इंजीनियर भी था, ब्रिगेडियर भी था, जनरल भी था। और उसने एक और भी चीज बनाई थी, मैं आपको दिखाऊं सर, ये है, ये भी डिजाइन जनरल जॉन जेकब साहब ने खुद की थी। ये परिंदों का घर है सर, कबूतरों का।
और इसकी क्वालिटी परिंदों की ये है कि ये 12 दिन तक भूखे प्यासे उड़ान भर सकता है आसमानों की बुलंदियों में, और ये अपना घर नहीं भूलता है, वाहिद ये परिंदा है कबूतर। जी हाँ, तो इससे फिर वो उस जमाने में कोई टेलीफोन वायरलेस मोबाइल का सिस्टम नहीं था, तो जासूसी का काम लिया जाता था, जहां भी सफर करते थे उसका वफद तो इसको साथ लेकर जाते थे, कोई मुश्किल पेश आती थी चिट लगा के छोड़ देते थे, अपने घर आके निकलता था। और ये वो डिजाइन है जो भी नया परिंदा आएगा छुप नहीं पाएगा इधर। वर्किंग कंडीशन इट इज इंस्टॉल्ड विद इन